आज हम जानने जा रहे हैं इस बात को कि क्या गायकी सीखने के लिए हारमोनियम सीखना ज़रूरी है। आप में से बहुतों का ये सवाल होता है कि हम सिंगिंग सीखना चाहते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट सीखना क्या ज़रूरी है, क्या हारमोनियम में इतना 12 स्केल और 10 थाट, इतने अलंकार, ये सब करना ज़रूरी है, अलंकारों का रियाज, इतना उंगलियाँ इतनी अच्छी अच्छी चलाना, तेज़ चलाना, घंटों इसका प्रैक्टिस करना ज़रूरी है क्या, क्योंकि हम तो गायकी सीखने आए हैं, हमें तो सिंगिंग करनी है, तो हारमोनियम की क्या आवश्यकता है और हारमोनियम क्यों सीखना है गायकी के लिए। तो ये आप सभी के कुछ सवाल रहते हैं क्योंकि हमारी जो परंपरा है संगीत प्रवाह वर्ल्ड की, मेरे पिता गुरु पंडित अवध किशोर पांडे जी की जो सोच है कि हारमोनियम सिखाइए फिर हम गायकी भी साथ ही साथ सीखते हैं, तो ये क्या है और क्या ज़रूरी है इसमें, वो आज हम इस वीडियो में जानने जा रहे हैं। तो पूरा वीडियो देखिए और जानिए कि क्या ज़रूरी है हारमोनियम सीखना गायकी के लिए। घर बैठे निःशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रियाज ऐप एक बेहतरीन मोबाइल एप्लीकेशन जिससे घर बैठे आप हिंदुस्तानी, कर्नाटक और बॉलीवुड संगीत सीख सकते हैं। तो कूपन कोड और लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपको बेनिफिट ये होगा कि SPW के कूपन कोड से 10% आपको डिस्काउंट मिलता है। तो इसमें हर प्रकार का संगीत आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। तो डाउनलोड कीजिए ये एप्लीकेशन और घर बैठे सीखिए संगीत रियाज ऐप से। निषाद और आप सभी देख रहे हैं संगीत प्रवाह वर्ल्ड का YouTube चैनल। तो आइए जानते हैं हम कि क्यों हारमोनियम सीखना जरूरी है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि अगर आप संगीत प्रवाह वर्ल्ड से सीखते हैं तो 12 स्केल 10 थाट का एक सिलेबस है, जिसमें कुछ अलंकार हैं, कुछ पेजेस के अलंकार हैं, और उन अलंकारों को आपको अलग अलग थाट, जो 10 थाट हैं उसमें बजाना पड़ता है और 12 स्केल से करना पड़ता है। अब आप लोगों का ये सवाल रहता है कि गाने को तो हम ले दे के 1, 2, 3 स्केल से गाते हैं, मुश्किल से, कभी पहली से, कभी दूसरी से, कभी मिनिमम मैक्सिमम तीसरी से गा लिया कभी, तो ये इतने सारे स्केल सीखना क्या ज़रूरी है और इतने हारमोनियम बजाना क्या ज़रूरी है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हारमोनियम से नहीं सिखाते हैं, वो डायरेक्ट तानपुरा से गायकी सिखाते हैं, पर हम कहते हैं भाई हारमोनियम से सीखो। अब इसका क्या मतलब है और क्या इसमें ऐसी ख़ास बात है कि इससे मदद मिलती है। सबसे पहले तो स्वरों की पहचान होती है। हमेशा हमारे गुरु जो हैं हमारे पास नहीं होते हैं कि वो हमारे साथ में रहकर हमें सिखा सकें और या गवा सकें और हमारे स्वरों को पहचान सकें कि सही है या गलत। वैसे शास्त्रीय संगीत में लोग कहते हैं कि भाई तानपुरे से सीखो तो स्वर सच्चा होता है, हारमोनियम की क्या ज़रूरत है, और ये बेसुरा वाद्य है या फिर अधूरा वाद्य है क्योंकि इसमें मीड़ नहीं है, इसमें गमक नहीं है, इसमें वो सारी जो श्रुतियाँ हैं वो नहीं हैं जो कि हम एक गायकी में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो हारमोनियम में नहीं है। फिर हारमोनियम क्यों सीखना ज़रूरी है? सबसे पहले तो देखिए, एक सपोर्ट आपको रहता है। एंड शास्त्रीय गायन तो ठीक है, जब आप गज़ल गायन या सुगम भजन या वो करते हैं, गीत गायन करते हैं या ठुमरी गायन करते हैं, तो आप जब साज आपके पास है तो ऐसा हो जाता है कि एक कंट्रोल आपके पास है, साज आना ज़रूरी है, भले ही आप उस साज के साथ गाएं गाएं न गाएं वो बात अलग है, लेकिन साज आना ज़रूरी है, हारमोनियम बजाना आना ज़रूरी है। और उससे क्या है, आपको पूरा सप्तक का पता है, आपको सारे स्वरों का पता है, कौन सा स्वर कहाँ लगेगा, कितनी दूरी पर है, गायकी से भी मालूम चल रहा है, लेकिन जब गायक के साथ हारमोनियम वादन हो रहा है, आपको नॉलेज ही नहीं है हारमोनियम वादन की, तो आप उसको ना सही कर सकते हैं ना गलत बता सकते हैं, उसको गाइड नहीं कर सकते। और एज अ सिंगर ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपके अकंपनिस्ट हैं वो आपके अधीन हैं, है ना, मतलब आप किंग होते हैं वहाँ पे, तो आप उनको गाइड कर सके भाई यहाँ पे मुझे ये चाहिए, यहाँ पे मुझे ये चाहिए, है ना, इतना ही वादन चाहिए और इस प्रकार का वादन चाहिए, तो वो वादन आपको थोड़ा बहुत आना तो चाहिए ना, जाहिर बात है, और नॉलेज होनी चाहिए अलग अलग स्केल से। कोई गाना कभी आपने पहली से गाया भाई नहीं, आज गला चल रहा है, रेंज उसकी गाने की कंपोजिशन रेंज थोड़ी ज़्यादा है, ऊंची है, तो आपको थोड़ा स्केल नीचे करना है, तो आपके पास एक कंफर्ट है कि मैं जो है उसको नीचा कर देता हूँ भाई, 5.5 से गा लिया या पहली सफ़ेद से गा लिया, तो बजाना आना चाहिए ना। किसी की संगत करना हो, है ना, और आपको कह दिया जाए तो आप यूँ कहें नहीं भाई मुझे तो नहीं आता, मैं तो गायक हूँ,
ऐसा नहीं है, आपको हर चीज़ आनी चाहिए, थोड़ी 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 तो सबको। नॉर्मल तबला बजाना तो आना ही चाहिए, वैसे ही नॉर्मल हारमोनियम बजाना भी आना चाहिए, भले ही आप उसमें महारत हासिल ना करें, भले बहुत हाथ आपका फर्राटेदार तेज़ नहीं चल रहा है, मगर जो गायकी है वो आपके हाथों से भी आप बता पाएं वो ज़रूरी है। मल्टी टैलेंटेड होना संगीत में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मानता हूँ कि जो महारत है वो सिर्फ एक ही विषय में हासिल होती है कि आप एक अच्छे गायक हैं या फिर एक अच्छे हारमोनियम वादक हैं या फिर एक अच्छे तबला वादक हैं, लेकिन नॉलेज जो है वो सबकी आपको होना ज़रूरी है। तो स्केल्स का बेनिफिट हो जाता है, स्वरों का आपको कोमल तीव्र का समझ आ जाता है, कौन से स्केल से कौन सा कोमल है, कौन सा तीव्र कैसे बज रहा है। एंड कई बार क्या होता है, स्वर भी हमारे जो हैं वो लगने लगते हैं। कई बार कई स्टूडेंट्स के होते हैं कि स्वर नहीं लगते हैं भाई, तो मैं एक्सपेरिमेंटेड हूँ इसके लिए, मेरे पिता गुरु ने मेरे पे ये एक्सपेरिमेंट किया है, मुझ पर ये एक्सपेरिमेंट किया है कि मैंने बहुत सालों तक सिर्फ हारमोनियम सीखा और हारमोनियम ही बजाया, तो इसके थ्रू मैं क्या करता रहा, सुनता रहा। गायकी संगीत में सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं सुनता रहा तो धीरे धीरे इसके साथ थोड़ा गाने लगा, तो थोड़ा बेसुरा होता, थोड़ा सुर में होता, फिर धीरे 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 करके इट डेवलप्ड, है ना, स्वर मेरे डेवलप होने लगे और गायकी जो है मेरी सुधरने लगी। फिर अब मैं तानपुरे पर भी गा सकता हूँ और हारमोनियम पर भी गा सकता हूँ, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हारमोनियम पर गायकी करने से आप फिर हारमोनियम छोड़ नहीं सकते, नहीं, उसको आपके काबू में होना चाहिए ना कि कब आपको उसको पकड़ रहे हैं और कब छोड़ रहे हैं, यानी कब उसके साथ गा रहे हैं कब नहीं गा रहे हैं। तो दोनों होना चाहिए, आप कोई गजल गा रहे हैं तो भाई अपना बजा के गाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस रहता है, एक स्टाइल रहती है आपकी, ये आपकी स्टाइल है कि हम गजल गा रहे हैं तो हारमोनियम बजा के गा रहे हैं, भाई कंट्रोल है हमारा, है ना। और जाहिर बात है एक अकंपनिस्ट का भी बच जाता है ना, कि भाई कोई आपके अनुसार बजा पाए ना पाए, है ना, आप गजल गा तो रहे हैं आप या कोई भजन गा तो रहे हैं, कोई ठुमरी गा तो रहे हैं, संगत कर रहा है भाई, अब वो आपके अनुसार बजा ही नहीं पा रहा है तो फिर कैसे आपको कंफर्टेबल होगा गायकी में। तो वो कंट्रोल आप अपने हाथ में लेते हैं और बजा के गाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं, कंट्रोल आ जाता है, स्केल की नॉलेज आ जाती है एंड स्वरों की नॉलेज आ जाती है, और बेसुरा भी धीरे धीरे स्वर में आ जाता है अगर आप हारमोनियम के थ्रू सीखे। ये आपका एक गाइड, आपका एक मदद बन सकता, मददगार साज है, है ना। तो इससे भी सीखिए और तानपुरे पर भी आइए, तानपुरा ही तो अल्टीमेट है, है ना। और तानपुरा ही क्यों, उसके बाद तो अल्टीमेट तो आप हैं, आपका स्वर है, आपका जहन है, आपका दिमाग है। तानपुरे को भी आप ट्यून किससे करते हैं, हारमोनियम से ही करते हैं, है ना, या फिर इलेक्ट्रॉनिक तानपुरा से करेंगे, है ना। तो वो फ्रीक्वेंसीज भी आप वैसे ही ट्यून करते हैं ना, तो हारमोनियम तो ज़रूरी है ही है, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, पॉइंट्स हैं, इनको मद्देनजर रखिए और हारमोनियम सीखिए, ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है और साज आना चाहिए एक तो कोई सा भी, ठीक है। तो देखते रहें ऐसे ही संगीत प्रभाव वर्ल्ड की वीडियोस को। ये एक नया टॉपिक था, एक नया सवाल था जो आप सभी के मन में उठता रहता है, ऐसे ही हम और वीडियोस लाते रहेंगे और सवाल लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करें चैनल को एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।